18 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी झाबुआ दौरे पर आ रहे हैं, जहां पीएम मोदी के दौरे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इधर पीएम मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मध्यप्रदेश की धरती पर 11 फरवरी को आ रहे हैं उनका प्रवास कार्यक्रम, और दूसरा पार्टी संगठन का काम होती है, लोकसभा चुनाव आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी 11 तारीख को मेरी विधानसभा झाबुआ में आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जो आदिवासियों के नाम पर जनजाति इतना बड़ा सम्मेलन करा जा रहा है, पूरे प्रदेश के लोगों को बुलाया जा रहा है, उसमें आदिवासियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसकी उनको घोषणा करना चाहिए, क्योंकि झाबुआ जहाँ ये कर रहे हैं वही विधानसभाएँ जहाँ पर आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही है, राज्यपाल जी के आदेश पर आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, जिसका विरोध करा था, झोपड़ी टूटने वाला आपने सबने किस्सा देखा होगा, किसके आदेश पर हुआ था? राज्यपाल जी के आदेश पर हुआ था। अब राज्यपाल जी का ये खुद का कर्तव्य होता है कि आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना, पर हो क्या रहा है कि धीरे धीरे आदिवासियों को जमीनों से बेदखल करा जा रहा है। ये वही झाबुआ विधानसभा है जहां वन अधिकार पट्टे नहीं दिए गए और दो आदिवासियों ने जहर खा लिया, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, और यही हकीकत पूरे मध्य प्रदेश की है। पैसा कानून जो लागू करा गया पूरे सिर्फ पेपरों पर लागू है, असलियत में कोई भी ग्राम सभा का कोई अधिकार नहीं मिल रहा है, वन अधिकार समितियों को कोई अधिकार नहीं मिल रहा है, आदिवासियों को जल जंगल जमीन का कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहता हूं इस पर प्रधानमंत्री जी को निश्चित तौर पर जवाब देना चाहिए और आदिवासियों के लिए जो भी अच्छा कर सकते हैं उनको करना चाहिए।